हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका मेटामॉर्फोसिस में। क्या आपको ये लगने लगा है कि वैकेंसीज जाने कब आएंगी, या मेरी तैयारी का मोड कैसा होना चाहिए, या अब मैं क्या करूं, या मुझे सब कुछ आता है, या मैं कौन से क्वेश्चन करूं, या फिर मुझे कौन सी किताब देखनी चाहिए, या फिर मुझे कितने घंटे टाइम देना चाहिए, और या फिर आपको अगर ये लग रहा है कि मुझे अभी तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या फिर आप बीएड कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं, यही सारी क्वेश्चंस के आज आंसर देने में आपके लिए वीडियो लाया हूं। एंड बहुत दिनों से मुझ पे एक कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, तो मैं आपके पास आज कुछ ऐसी चीजें लेके आया हूं कि जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जो लोग बीएड कर रहे हैं वो तैयारी करें कि नहीं। देखिए, बीएड कर रहे जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है तैयारी का, क्योंकि अगर उनके साथ, खासकर जो लास्ट ईयर में है, क्योंकि अगर वो लास्ट ईयर में है और जब तक उनका कोर्स खत्म होगा तब तक हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, और अगर वो अभी से तैयारी में रहेंगे तो उनके पास ब्राइट चांसेस होंगे और निकलने के, और वो कोई बर्डन भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो जो पेडागोजी से वो रोज वाकिफ हो रहे हैं क्लासरूम में, वही पेडागोजी ने यहां भी पढ़नी है, ठीक है, और या एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो वही पेडागोजी यहां पढ़नी है, और लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बेसिकली सिर्फ ये करना है कि जो उनका सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा और फोकस करना है। और इस समय एक ज्यादा बढ़िया बात यह होती है कि बीएड करते वक्त जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई के और पूरे मोड में होता है, उसे उस मोड में जाने के लिए अपने मोड को ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो एक फ्लो में होता है। उस फ्लो में अगर वो एक तैयारी को एक या दो घंटा या तीन घंटा रोज एक्स्ट्रा दे दे तो वो बहुत आसानी से कर सकता है, और जब वो बीएड कर लेता है तो उसके बाद अगर टाइम गैप आ जाए तो वो उस मोड से हट जाता है। तो ये मोड आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप इसको तैयारी करें, और मेरी ओर से सजेशन है, मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल टू प्रिपेयर विद योर लास्ट ईयर ऑफ बीएड। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो है ये यक्ष प्रश्न है ये, कि सर पोस्ट कब आएंगी। देखिए, मैं कई बार पहले ही यूट्यूब में भी कह चुका हूं कि पोस्ट एक ऐसी चीज है जो अचानक से कभी भी आ सकती है, कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, क्योंकि ये सारा एक सिस्टम के तहत होता है, और सिस्टम में क्या चल रहा है उसकी खबर हम लोगों को नहीं होती, और वो सिस्टम के अंदर जो है अचानक कभी भी फैसले लिए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एलटी में कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आ गई रिजल्ट में जो निराश हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन उस निराशा के भंवर में कहीं आप ये ना सोच रहे हो कि अब मैं जो है सबको खो चुका हूं, या फिर मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने बहुत सारे पेन लेके एग्जाम निकाला है। मेरे खुद इंस्टीट्यूट के 58 स्टूडेंट्स जो हमने रिकॉर्ड बनाया था उनका भविष्य भी अधर में है और वो भी परेशान है, लेकिन परेशानी कब नहीं आती लाइफ में ये बताइए, ठीक है, परेशानी सबको आती है, और जिस परेशानी में आपने ये निकाला था उन परेशानियों को याद कीजिए, तो आप में वो है, वो गट्स हैं कि आप उन परेशानियों को निकाल के, आपने तैयारी की उन परेशानियों के भंवर से निकल के और चीजों को कर पाए। तो यहां भी करेंगे, आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी चीजों को छोड़ना नहीं है, वही नोट्स निकालिए, वही रीडिंग वाली बुक्स निकालिए और ब्रश करते रहिए अपने नॉलेज को, और लेक्चरर की भी तैयारी शुरू कीजिए। मेरे वहां जो लैल्टी और लेक्चरर दोनों में निकला था वो लोग लेक्चरर ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो लेक्चरर की भी तैयारी कीजिए और सीरियसली जुट जाइए, और आपको जब तक, वैसे मेरी ओर से पूरी वो आशा है कि आपका रिजल्ट सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और इन केस अगर इसने लंबा टाइम लिया और बीच में लेक्चरर की पोजीशंस आ गई तो आप, हो सकता है उससे पहले ही वो क्रैक कर दे और वो चीज आपके माइंड से हट जाए। तो आप दोनों की तैयारी कीजिए, एलटी आप जानते हैं आपने कैसे निकाला था, सिर्फ ब्रश करना है, लेक्चरर आप नए सिरे से जुट जाइए और उसमें अपने स्किल्स को और शार्प कीजिए। अब तीसरी चीज ये आती है कि सर हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, वो चीज ऐसी है कि हमें परेशान कर रही है। तो मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है आप सभी से कि आप जानते हैं कि अगर ये लेट हो रही है और आप परेशान हैं थोड़े,
तो आपके पास दो ही तो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप उसका वेट करते रहिए और अपने को टेंशन देते रहिए और घर में भी परेशानी रहे और सब लोग परेशान रहे या टूटने की कगार पे आ जाए। और दूसरा ऑप्शन यह है कि नहीं, आप ये कहें कि मैं हिम्मत से बढ़ चलूंगा और ये एक मेरी परीक्षा हो सकती है, दिस माइट बी टेस्ट फ्रॉम द डेस्टिनी, और मैं इस टेस्ट को भी पार करूंगा जब मैंने इतनी चीजें पार की है। ठीक है, तो अपने हौसलों को आपने बुलंद करना है। अगर वो हौसले बुलंद नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा है, मुझे एक ही लाइन अच्छी लगती है कि अपने हौसले ऐसे रखो कि कोई भी परेशानी आए, ठीक है, अगर देखना ही है मेरी उड़ान को तो जाओ थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को, और परेशानियां लो, और परेशानियां लो, हम तैयार हैं उड़ान उड़ने के लिए। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो हथियार डाल दें और या फिर से कमर कस के तैयार हो और नए युद्ध का बिगुल बजाएं। तो आप सभी बिल्कुल इस बात की चिंता न करें कि ये होगा या नहीं, बल्कि आप जुट जाइए नए जो है युद्ध की तैयारी के लिए, और उसी बीच में आपको कुछ अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं और साथ में जो नया युद्ध है उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर होंगे। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई परेशानी है तो मुझे फोन करिए, आई एम देयर विद यू। ठीक है, अगर शाम को फोन नहीं उठता है, क्योंकि शाम को ऑनलाइन में होता हूं, 4-5 बैच होते हैं, तो 8:30 के बाद करा कीजिए या 9 के करीब, कोई चिंता नहीं कि आप लेट फोन कर रहे हैं। और दिन में अगर फोन करते हैं तो बेस्ट टाइम यह है कि आप लंच टाइम पे करें, 1 से 2 के बीच में, एंड आई विल बी अवेलेबल। ऑलराइट, तो कोई भी परेशानी आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। अब अगली बात आती है, जो लोग ऑलरेडी तैयारी में थे या कुछ मार्क्स से मिस हो गए, वो तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले उन्हें जरूरत है अपने को मेजर करने की, तो आप मेजर करिए अपने को। सर मेजर कैसे करेंगे? देखिए, मेजर ऐसे कीजिए कि जितने सिलेबस में क्वेश्चन है या फिर जो पेपर आपने दिया था, उस पेपर को एक बार फिर से अटेम्प्ट कीजिए और उसको रिट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने कहां कहां गलती की थी। आपको सबसे बढ़िया आपको आप जानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपकी कौन सी चीज कमजोर है। तो जिस कड़ी में कमजोरियां हैं उनको बिल्कुल नोट कीजिए। नोट कीजिए का मतलब नोट कीजिए ही होता है, दिमाग में नहीं बल्कि कॉपी या डायरी में। और प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि मुझे पहले किस किस चीज को करना है, मुझे फ्लो में कैसे जाना है। प्रायोरिटी डिसाइड करते वक्त भी ये याद रखिए कि उसमें भी एक फ्लो होना चाहिए, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लिया आपने कहा कि मेरी डेट्स क्रोनल मुझे याद नहीं होती, मैं राइटर्स को बुक्स को मिस कर जाता हूं और मुझे ये पता नहीं चल पाता है कि राइटर कहां जो है, कौन किस एज का है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ये जानिए। तो प्रायोरिटी ये है कि आप एज के बैकग्राउंड को जानिए, उस एज में क्या क्या चीजें थी, और वो राइटर को तब रिलेट कीजिए कि वो उस समय कैसी चीजें रच रहा था और वो किस एज का हो सकता है। सो देयर मस्ट बी कनेक्शन विच वी कॉल लिटरेरी एटीट्यूड। और अगर आप एब्रप्टली सीखेंगे और रैंडमली सीखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक फ्लो में सारी प्रायोरिटी डिसाइड करनी कि इन 10 पॉइंट्स में से पहला मैं कौन सा जो है, जिसपे मुझे तैयारी करनी है, जिसपे मुझे काम करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ये चाहता है कि मुझे गाइडेंस मिले और एक मैं उसको एक तरीके से चलूं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे लेक्चरर एलटी के 4-5 बैच चल रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें एक नया भी है और लेक्चरर का भी नया। ऑफलाइन वाले जो हल्द्वानी के आसपास है, हल्द्वानी, वो मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, वहां भी बैच चल रहा है लेक्चरर का। और जल्दी हम एक और नेट का और लेक्चरर का बैच शुरू करने वाले हैं। जो लोग ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए रेडीमेड कोर्सेस तैयार कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी अब बस लॉन्च होने वाले हैं। और एक चीज आप बस याद रखिएगा कि आपने अभी बिल्कुल सिरा नहीं छोड़ना है, उस थ्रेड को पकड़ के चलना है, और कंटिन्यूटी के लिए चाहे आप आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, आप पे डिपेंड है, लेकिन कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी ब्रेक होती रिदम टूट जाती है, और रिदम टूटने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है फिर से उस मोड में आना। तो प्रिपरेशन मोड इज वेरी एसेंशियल, सो डोंट लीव एवर द प्रिपरेशन मोड टिल यू अटेम्प्ट द एग्जाम एंड यू क्रॉस और यू जस्ट गेट थ्रू द एग्जाम। तो आशा करता हूं कि आप लोग, मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, शॉर्ट वीडियो लाऊंगा क्योंकि ये लंबा हो गया है, कुछ और चीजें पिन पॉइंटेड चीजों पे लेके आऊंगा, आते रहेंगे मोटिवेशनल वीडियो अलग अलग टॉपिक पे। आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे बस आप फोन कीजिए या मैसेज कीजिए और मैं उस पर तैयार कर दूंगा। तो मिलता हूं आपको फिर से
दूसरी वीडियो के साथ, और इस आशा के साथ छोड़ रहा हूं कि आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, और आप ये समझिए इस युद्ध में, इस महासमर में आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं, और जब भी आपको जरूरत होगी आप मुझे आवाज दीजिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ऑल राइट, सो विदा लेता हूं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, जरूरतमंदों को शेयर कीजिए, और आपकी जो कमेंट हैं, लाइक हैं, उसके लिए थैंक्स, और मैं आप ही की वजह से हूं और आप मेरी फैमिली हैं, तो आप मुझे अपना प्यार देते रहिए और मैं बना रहूंगा आपके साथ, आपकी कुछ कठिनाइयों को अपने स्तर पे हल करने के लिए। थैंक यू।